नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पर सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु जी को मीठा पान चढ़ाया जाता है पूजा में, तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। अब एकादशी व्रत का अपारण जब करें तो आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। एकादशी को चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और ग्यारस का व्रत जो रखते हैं उनको मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के व्रत का नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाता है, इसलिए दशमी, ग्यारस और द्वादशी तक नियमों का पालन करना होता है। एकादशी के व्रत में आपको आलू भी नहीं खाने हैं, मूंगफली आप खा सकते हैं, टमाटर नहीं खाने, नींबू का आप प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे